गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आर लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस द मेन टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द रिच एंड द यूनिक कल्चर ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन डेवलप्ड बाई आवर लैंग्वेज, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा. दीज एलिमेंट्स शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर आवर आर्ट एंड कल्चर. हमारा जो रिच कल्चर है इंडिया का, वो डेवलप होता है. क्यों हम उसको रिच कल्चर कहते हैं? क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का डांस, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ का पेंटिंग, यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. नाउ द फर्स्ट वी डिस्कस इज अबाउट लैंग्वेज. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस. दीज आर एसमीज, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है? टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं और उनके ये सारे नाम हैं जो मैंने अभी रीड किए हैं. हिंदी इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया. सबसे ज़्यादा हिंदी बोली और समझी जाती है. दस इट हैज़ बीन चूजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. सो विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया के लगभग सारे स्टेट में इन इंग्लिश बोली और पढ़ी जाती है. मोर देन 800 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में मोर देन 800 लैंग्वेज और डायलैक्ट्स, जो बोली होती है वो क्षेत्रीय भाषा जिसको कहते हैं वो बोली जाती है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम लैंग्वेजेस आर कॉल्ड डायलैक्ट. किसी लैंग्वेज का डिफरेंट फॉर्म, लैंग्वेज तो सेम है बट उसका थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है. जैसे कि हरियाणवी ही है अगर हरियाणा की लैंग्वेज, बट वो रीजन टू रीजन थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है, तो उसको हम डायलैक्ट्स कहेंगे. ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग. हर लैंग्वेज का अपना अलग स्टाइल होता है लिखने का. दिस हैव अ सेट ऑफ लेटर, दे हैव अ सेट ऑफ लेटर इन विच इट इज रिटन. वो एक सेट ऑफ लेटर में लिखे जाते हैं, उसको हम किस क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट. Most Indian languages except Kashmiri, Sindhi and Urdu are written from left to right. सारी लैंग्वेज आप देखो, इंग्लिश को हम लेफ्ट से लेकर राइट तक, हिंदी लेफ्ट टू राइट. मैक्सिमम जो लैंग्वेज है इंडिया की वो ऐसे ही लिखी जाती है. बट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू कैसे लिखते हैं हम? लेफ्ट से स्टार्ट, राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट जाते हैं. एंड उर्दू लैंग्वेज आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डांस. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसेस. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डांसेस. मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस. फर्स्ट हम फोक डांस को पढ़ेंगे. फोक एंड ट्राइबल डांस. फोक डांस को और जहाँ पे ट्राइब्स करते हैं जिस जगह पे, उनको हम ट्राइबल डांसेस कहते हैं. आर जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रुप. ये कैसे किए जाते हैं? ये ग्रुप में किए जाते हैं. दीज डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज. ये कब होता है, किन किन टाइम पे होता है? तो ये स्पेशल ओकेजन्स पे होता है, जैसे एज फेस्टिवल्स, किसी भी त्यौहार पे, वेडिंग पे, शादी पे, बर्थ ऑफ चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म हुआ, अराइवल ऑफ सीजन, जब कोई नया सीजन आ रहा हो, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, जब हम किसी भी क्रॉप का को बीज को लगाते हैं, उस टाइम पे हम खुशी से ट्राइबल है तो वो ट्राइबल डांस करेगा, एंड इफ फोक है तो फोक डांस करेगा. साथ में हार्वेस्टिंग, जो फसल की कटाई होती है उस टाइम पे. ग्रुप डांसर्स नॉर्मली वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी ऑन सच ओकेजन. जो ग्रुप डांसर्स होते हैं वो जब फोक डांस करते हैं, ट्राइबल डांस करते हैं, तो वो स्पेशल टाइप की ज्वेलरी अपने स्टेट के हिसाब से, अपने लोक नृत्य के हिसाब से वो स्पेशल कॉस्ट्यूम भी पहनते, स्पेशल ज्वेलरी भी पहनते. सम ऑफ द पॉपुलर फोक एंड ट्राइबल डांसेज आर. कुछ पॉपुलर एंड ट्राइबल डांसेस क्या होते हैं, जिनके नेम्स हैं और कौन से स्टेट में होते हैं? दे आर भांगड़ा पंजाब का है, घूमर राजस्थान, बिहू असम, गरबा गुजरात, लावनी महाराष्ट्र एक्सेट्रा. द ट्राइबल डांसेस, कुछ जैसे हमने फोक डांस को डिस्कस किया, वैसे कुछ ट्राइबल डांसेस भी हैं. वो कौन से हैं? संथाल्स, गोंड, नागास, बीज एंड मीजोस ईटीसी आर ऑल्सो वेरी कलरफुल.
नेक्स्ट इज क्लासिकल डांस. जो सेकेंड पार्ट है वो क्लासिकल डांस है. क्लासिकल डांस बिगन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप इन टेम्पल्स. क्लासिकल डांस कैसे बिगन हुआ, शुरुआत कब हुआ उसका, उसको टेम्पल्स में क्लासिकल डांस किया जाता था. लेटर ऑन दीज डांसेज वेर ऑल्सो परफॉर्म फॉर किंग्स एंड रूलर्स. के बाद राजाओं और जो रूलर्स थे वहाँ उनके भी महल में ये परफॉर्म किया जाने लगा. मोस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया हैव देयर टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म. जो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनका अपना अपना एक टिपिकल डांस फॉर्म है. सम ऑफ देम उनके नेम्स क्या हैं और वो कौन से स्टेट के हैं. भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा, जैसे नेम है वैसे स्टेट से रिलेटेड है, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरला से है, सतरिया असम से, यक्षगाना कर्नाटका एक्सेट्रा. कथकली एंड यक्षगाना आर डांस ड्रामास. कथकली और जो यक्षगाना है वो डांस किया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कि डांस करके हम कोई ड्रामा दिखा रहे हो. इन विच स्टोरीज आर टोल्ड थ्रू डांस. इसमें हम कहानियों को डांस की तरह करके दिखाते हैं. नेक्स्ट इज म्यूजिक. म्यूजिक इज द सोल ऑफ डांस. देयर आर टू स्टाइल ऑफ म्यूजिक इन इंडिया. ये भी मैंने डिस्कस किया. हिंदुस्तानी म्यूजिक विच डेवलप, ये कहाँ डेवलप हुआ है, इंडिया के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया. एंड सेकेंड इज कर्नाटिक म्यूजिक, ये डेवलप हुआ है साउथ इंडिया. Now, a variety of musical instruments are used in India. Classical musicians use sitar, veena, sarod, flute, mridangam, tabla, dholak, violin, etc. The musical instruments used in North India are harmonium, tabla, dholak, shehnai, sarangi, santoor, flute, etc. Jo musical instruments North India mein use kiye jaate hain, unke names ye hain. Aur बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो क्लासिकल म्यूजिशियंस यूज करते हैं वो है सितार, वीणा, सरोद, फ्लूट, मृदंगम एक्सेट्रा. नाउ इंडिया हैज़ ए ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट सिंगर्स. इंडिया के पास ये ट्रेडिशन रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ग्रेट सिंगर्स हुए हैं. जैसे तानसेन, बैजू बावरा, हरिदास वेर फेमस सिंगर्स इन द मुगल पीरियड. ये कब के थे, तानसेन, बैजू बावरा, हरिदास, ये सिंगर्स थे मुगल पीरियड के. The famous singers and musicians of modern times. Modern time के famous singers और musicians कौन से हो गए, पंडित जसराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, इनके names आप लोगों ने भी सुन रखे हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान etc. Here some pictures is also given like जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा. These all are the modern फेमस सिंगर्स और म्यूजिशियंस. ये सारे म्यूजिशियंस हो गए फेमस जो मॉडर्न टाइम के. हियर द क्लासिकल डांस के भी पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे किए जा रहे हैं. हियर इन द फर्स्ट पेज द हरियाणवी डांस विच इज अ फोक डांस, भांगड़ा इज ऑल्सो अ फोक डांस इज गिवन. यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो इन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक painting. Okay, till then continue reading this chapter and learn the question answer also.